बीमारी के फिर से पैर पसारने के बाद स्वास्थ्य विभाग पूर्ण रूप से अलर्ट हो गया है, जिसके चलते इंद्री में MSO डॉक्टर दीपक गुप्ता की अध्यक्षता में कोरोना के 829 सैंपल लिए गए। डॉक्टर पंकज कंबोज ने बताया कि इंद्री PSC में 301, कुंजपुर अस्पताल में 133, गिर PSC में 101, मधुबन में 38, खूबी PSC में 166 और खाकवा में 90 सैंपल कोरोना के लिए गए हैं। इन सैंपलों को करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्यवाही की जाएगी। देखिए, आज दिनांक 28 नवंबर को हमने कोरोना दिवस के रूप में मनाया है आज का दिन, और जगह जगह कैंप्स लगाकर कोरोना के सैंपल्स लिए हैं, जिनको अलग अलग जगह से कलेक्ट करके कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज की लैब में भेजा जाएगा टेस्टिंग के लिए, और कल तक हमारे पास उम्मीद है रिपोर्ट सबकी आ जाएगी। इसी के अंतर्गत हमने CHC इंद्री में आज सैंपल्स लिए हैं, 301 सैंपल लिए हैं आज हमने कोरोना के, और इसके अलावा और जगह भी हमारी CHC के अंडर जो PHCs आती हैं वहाँ भी कोरोना डे को मनाया गया है, और इसमें 133 हमारे कुंजपुरा में और लगभग 101 सैंपल्स जो हैं वो समोहा गांव में हमारा कैंप लगा हुआ था, वहाँ भी 101 लोगों के सैंपल्स लिए गए हैं। इसके अलावा 38 लोगों के सैंपल PHC मधुबन में लिए गए हैं। इस जिस भी जगह कोरोना दिवस मनाया गया है यहाँ पर हमने लोगों को जागरूक किया है, उनको विभिन्न तरीके बताए हैं कि किस तरह से वो कोरोना जैसी गंभीर बीमारी से बचाव रख सकते हैं। इसके अलावा उनको अलग अलग जो लक्षण हैं वो भी बताए हैं, ताकि इन केस अगर कोई इसकी चपेट में आता है तो जल्दी अर्ली फेज़ में यानी जल्दी में उसका पता चल सके और जल्दी से उसका जो इलाज है वो शुरू हो सके, ताकि गंभीरता ज़्यादा ना हो बीमारी की। साथ में सैंपल लिए गए हैं और IEC एक्टिविटी, उनको विभिन्न चीज़ों के बारे में बताया भी गया है, समझाया भी गया है। काफ़ी एक्टिविटी इस तरह की आज हमारी कोरोना डे पे हुई है यहाँ पर।